आप हमको मिट्टी में मिला दीजिए, मुझे कबूल है, लेकिन आपका योगी या मोदी जय नहीं बोलेंगे। जय तब बोलेंगे जिस रोज आप आरक्षण लागू कर दीजिएगा। घर टूटे या मंदिर टूटे, लेकिन बोचहां सीट पर उपचुनाव होने वाले सीट को लेकर मुकेश सहनी ने साफ कर दिया, कहा कि इससे एनडीए से हम सीट लेकर रहेंगे क्योंकि हमारी जीती हुई पार्टी है और वहां पर पहले से हमारा कैंडिडेट था, जिनका निधन हो गया उनके परिवार के लोगों को ही टिकट मिलेगा। उन्होंने विधान परिषद के होने वाले विधान परिषद के चुनाव होने वाले लेकर भी साफ कर दिया कि हमने एनडीए से बाहर नहीं हुए, लेकिन मुझे बाहर कर दिया गया है, मैं इस पर भी 2400 सीट पर चुनाव लड़ूंगा। होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर भी उन्होंने साफ कर दिया क्योंकि उन्हें एक भी सीट नहीं मिला है, ना ही भाजपा के तरफ से और ना ही जदयू के तरफ से, लेकिन उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि हम 2400 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं 2024 में भी हम अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे और प्रधानमंत्री भी सहनी समाज जो है वो निषाद समाज जो है वो देने का काम करेगी। तमाम उन्होंने ये बातें कही मुकेश सहनी ने आज प्रेस वार्ता कर, सीधे तौर पर यानी एनडीए पर हमला भी किया इशारों इशारों में, तो वहीं कहा कि सरकार में कोई उथल पुथल भी नहीं होने देंगे। नीतीश कुमार की सरकार में अच्छी सरकार चल रही है और हम उनके साथ हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रहेंगे और आगे भी उनके साथ देंगे। और क्या कुछ कहा है मुकेश सहनी, बिहार सरकार के मंत्री भी हैं और विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। जरा उनके बयान हम आपको सुनाते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। है तो अभी खंजारे भोंक रहा है, उनका बस चलेगा तो हत्या भी कर देगा और मुझे उसका भी परवाह नहीं है। हम लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, लड़ेंगे। उनका सांसद ने कहा ना कि मिट्टी में मिला देंगे, तो हमने तो कहा कि मुझे ये कबूल है, आप समाज के लिए मैं लड़ाई लड़ने वाला हूँ, आप हमको मिट्टी में मिला दीजिए, मुझे कबूल है, लेकिन आपका योगी या मोदी जय नहीं बोलेंगे। जय तब बोलेंगे जिस रोज आप आरक्षण लागू कर दीजिएगा, और आरक्षण लागू नहीं होगा तो समय पड़ेगा तो मुर्दाबाद कहेंगे, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या कोई राज्य का मुख्यमंत्री हो, अगर हमारा काम नहीं करेगा तो हमारा समाज और हम उनको मुर्दाबाद बोलने के लिए भी स्वतंत्र हैं। धन्यवाद। सीट हम कैसे लड़ लेंगे, वहाँ पे हमारे प्रत्याशी रहेंगे और हमारे स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी पार्टी के साथ मजबूती से रहे हैं और उनका स्वर्गवास हो गया है, तो हमारा पूरा उनके परिवार के साथ आस्था विश्वास जुटा हुआ है और आने वाले समय में कैंडिडेट का घोषणा होगा और मुसाफिर पासवान का परिवार के ही लोग लड़ेंगे चुनाव, इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर बीजेपी परिवार से अपना उम्मीदवार उतारती है तो क्या समर्थन वापस लेंगे या साथ में रहेंगे? सर आप वहाँ पे मजबूती से वहाँ पे उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ेंगे, नाम क्या होगा वो समय पे हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उसका नाम का घोषणा करें और समय आने पे आचार संहिता लगने पे वहाँ पे घोषणा होगा, वहाँ पे मजबूती से वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेगा। जिनको सहयोग देना होगा देंगे, नहीं सहयोग देना होगा तो वो लड़ेंगे, लेकिन वीआईपी पार्टी हर हाल में वहाँ चुनाव लड़ेगा और मजबूती से वहाँ चुनाव जीतेंगे। कि उनको मजबूत समझे होंगे, माझी जी को कमज़ोर समझ रहे हैं या सहनी जी को कमज़ोर समझ रहे हैं, तो हमको और माझी जी को मान लीजिए कि गठबंधन से बाहर निकाल दिए, नहीं दिए तो नहीं, तो हम भी सरकार के साथ हैं। अरे ठीक है, तो वो उनको जो वो निर्णय तो उन्हीं को लेना है और वो जो निर्णय लेंगे अभिभावक उनका हम निर्णय का स्वागत करते हैं, वो जो निर्णय ले रहे हैं, लेकिन हम तो अपना निर्णय लेंगे ना, हम तो अपना निर्णय लिए हैं कि बताशा एक ही चाहिए तो चाहिए, इसके लिए मंदिर टूटे घर टूटे मुझे उसका परवाह नहीं है, मैं लड़ूंगा, मेरा जो अधिकार है अगर एक सुई बराबर भी अगर नोक बराबर भी मेरा अधिकार बनता है तो मैं उसके लिए हमेशा जंग करने के लिए तैयार रहूंगा। अकेला चलने वाला व्यक्ति है, अकेले जन्म लिए हैं, अकेले संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम तो सामान्य विचारधारा वाले लोग, दो कदम हम चलेंगे दो कदम आप साथ दीजिए, हम आपको साथ देंगे आप हमको साथ दीजिए, देश में गठबंधन की राजनीति हो गया तो इस तरीके से चल रहे हैं, तो जब समय समय की बात होगा, कभी दोस्त बनते हैं कभी दुश्मन बनते हैं, कल तक बीजेपी का हम दोस्त हैं, कल उन्होंने हमको बाहर निकाल दिया तो आज हमको वो दुश्मन मान रहे हैं, और कल क्या होगा वो मुझे क्या मालूम है। तो के लोग कहते हैं कि वीआईपी के विधायक हमारे साथ हैं, तो वो भी कर ले ना, वो भी कर ले, अभी तो हमारे चुनाव आयोग पे वीआईपी का दिख रहा है और वो अगर इस बात से अगर डरा रहा है तो मैं इससे कहाँ डरने वाला हूँ, कोई पार्टी विधायक के ऊपर नहीं चलता है,
जनता और कार्यकर्ता के दम पे चलता है, उनके सपोर्टर पे चलता है। तो ये वीआईपी पार्टी इतना मजबूत विधायक के दम पे नहीं हुआ। विधायक तो हम दम पे मजबूत हो गए तब बना। हम संघर्ष करने के टाइम में हमारे पास कोई विधायक नहीं था, तो संघर्ष करने के टाइम में फिर नहीं रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है। फिर 2004 विधायक बनाया निषाद समाज ने, 2025 में 40 बनाएंगे, हो सकता है तो 130 भी बना सकता है, और अपने दम पर निषाद का बेटा को मुख्यमंत्री बना सकता है। थोड़े ऐसा है कि बिहार में निषाद का बेटा में वो काबिलियत नहीं है कि बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। इस बिहार का तो इतिहास है कि जिसको कुछ नहीं पता वो भी मुख्यमंत्री बने हैं। तो हम और हमारे समाज में तो बहुत कुछ नॉलेज है, आज हम लोगों ने दुनिया जीतने वाले लोग हैं, तो हम लोग भी बिहार का नेतृत्व करेंगे। तो आने वाले समय में हमारी संघर्ष जारी रहेगा और संघर्ष करते रहेंगे, और 24 लोक विधानसभा परिषद का जो विधान परिषद का सीट है उस पर चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। तो आपने साफ तौर से सुना कि किस तरीके से मुकेश सहनी के हाथ लड्डू मिले हैं, यानी उन्हें एक भी सीट नहीं मिला। तो इससे साफ जाहिर यही होता है कि कहीं ना कहीं वो विधान परिषद के होने वाले चुनाव को लेकर उन्हें अभी तक एक भी सीट नहीं मिले हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम 2400 सीट पर अपना कैंडिडेट उतारेंगे एमएलसी चुनाव को लेकर। वहीं बोचहा को लेकर भी उन्होंने साफ कर दिया कि बोचहा से हमारे पहले से कैंडिडेट थे जिनका निधन हो गया, उनके परिवार के लोगों को ही टिकट मिलेगी। इसको लेकर हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे और एनडीए से मांग करेंगे, अगर नहीं भी मिलेगा तो भी हम कैंडिडेट उतारेंगे और उनके परिवार को लोगों को ही टिकट देंगे, चाहे वो घर टूटे या मंदिर टूटे, लेकिन हम ये सीट लेकर रहेंगे। आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहें दैनिक न्यूज़ के साथ और देखते रहें दैनिक न्यूज़।